सर एक छोटा सा सवाल है आपसे कि अभी मोदी जी ने एक हफ्ते पहले दो आतंकवादियों के बारे में बताया था कि वो मार दिए गए हैं, लेकिन उसमें से एक आतंकवादी तो जिंदा निकला है और उसने मीडिया हमारे मीडिया के क्लब बताया है कि हम तो जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि फेसबुक से फोटो निकाल के हमारी फोटो लगा दी है जो दैनिक जागरण अमर उजाला में, इसमें क्या कहना चाहते हैं? झूठा गप्पा सरकार है, मोदी झूठ बोलने में माहिर है, कब सच बोले? तो ये तो देश की जनता को इसी तरह से गुमराह करते रहते, हर बात उनकी जुमला हो जाती है। तो अभी इलेक्शन मोड में जा चुके हैं, हमारे जो सिपाही साथी हैं वो सरहद पे मुल्क की रक्षा कर रहे हैं और ये बूथ की रक्षा में जुटे हुए हैं, तो इससे इनका देश के प्रति क्या कमिटमेंट है, सेना के प्रति क्या कमिटमेंट है, नौजवान के प्रति क्या कमिटमेंट है, इससे पता लग रहा है। और देश की पूरी तमाम जनता ये जान चुकी है कि जुमलेबाज सरकार है, मोदी जी जुमलेबाज हैं और उनके जो तथाकथित चाणक्य हैं वो कैसे हैं उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी रही सही कसर जो लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग हैं ना, आप लोग हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से गाँव गाँव पहुँचा देंगे। उसमें एक बात अगर मैं कहूँ, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज का है, उसकी फोटो दैनिक जागरण ने और अमर उजाला लगाया है, ये बोल रहा है कि ये मारा गया आतंकवादी है, जबकि वो आम इंसान है, वो आम इंसान है, बिजनेस करता है, शादी शुदा उसके बच्चे हैं। तो एक जीता जीवित आदमी को मारा हुआ आतंकवादी घोषित करने का ये जो नेशनल मीडिया का जो ये खेल है, इससे भी हमें बच कर रहना होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि पाकिस्तान उधर दिखाकर, बॉर्डर दिखाकर और यहाँ पे जो दहशतगर्दी जो है मुसलमानों के खिलाफ विशेष रूप से जो फैलाई जा रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और देश की बहुसंख्यक SC ST OBC जमात से अपील भी करते हैं कि इस तरह कोई सांप्रदायिक जो उन्माद भड़काने की कोशिश करें, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करें, आप लोग को इसमें शामिल नहीं होना है। कि आपके जितने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो हक हकूक हैं, उसको छुपाने के लिए जब हिंदू हिंदू खतरे में है, जब बोले उस समय समझ लेना कि इस देश का जनऊ खतरे में, ब्राह्मण खतरे में है। तो किसी तरह के सांप्रदायिक दंगा में, किसी तरह के सांप्रदायिक उन्माद में SC ST OBC के लोग, जितने बहुजन लोग हैं, उनको शामिल नहीं होना है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। तो हम बहुजन साथियों से अपील करते हैं कि जहाँ भी इस तरह का माहौल बने, आपको अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमानों की रक्षा में आपको खड़ा होना है। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू। पिछले 2 अप्रैल को जो सर हुई थी प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट हुआ था, अभी तक कुछ अपने जो लड़के हैं वो भी जेल में, अभी तक रिहा नहीं हुई इनकी? देखिए, ये हजारों साल से हमारे साथ ये जो है चल रहा है, ये मामला पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, मोदी जी पाँव भी धोएंगे। तो मैंने ये बात कही ना कि ये सिर्फ प्रतिरोध नहीं है, ये आने वाली सरकार के लिए हमने एजेंडा भी सेट किया, उनके लिए चुनौती भी है कि उन साथियों, तमाम साथियों को छोड़ा जाए, सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। जिन लोगों ने इन पर हमला किया था उनका फोटो वायरल हुआ था, सरकार के लोग राजस्थान में हमने देखा कि पुलिस के लोग और वहाँ पे BJP के लोग वहाँ पे शामिल होकर उनको मार रहे थे और पकड़ रहे थे। इसलिए जो भी सरकार आएगी, अभी तो इलेक्शन मोड में जा रहा है देश, तो जो भी सरकार आएगी उनके लिए चुनौती भी है कि उन बच्चों के ऊपर से मुकदमे हटाए जाएँ, उनको वापस लाए जाए। अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो देख लीजिए, अगर रोहित बमूला घटना नहीं संकेत है, अगर सहारनपुर घटना नहीं संकेत है, ऊना घटना नहीं संकेत है, तो इस सरकार को ये भी याद दिलाना चाहेंगे हम कि 2 अप्रैल भी घटना नहीं संकेत था, आपके दमन के खिलाफ जो ना व्हाट्सएप पे भारत और सोशल मीडिया से भारत बंद हो जाएगा, 5 मार्च को वही पुनरावृत्ति होगी। फिर अगर आपने सरकार ने कोई गलती की, हमारे लोगों पे हमला किया, तो इसका जो है प्रतिरोध वही होगा। एक तो सामने चुनाव है, तो आपने आरक्षण की 13वीं की है, आपकी सरकार की 13वीं हम लोग करने जा रहे हैं।